बंदा हुण जावे ता जावे किधर जावे, घरे देखो ता चोरियां, बाहर निकलो ता लुट्टा खोहां। जी हां, दस दिए कि लगातार लुट्टा खोहां दे मामले वधदे जा रहे ने, ते हुण औरतां दा ता दिन दिहाड़े घर दे विच्चों निकलना भी मुश्किल हो गया। दरअसल एक औरत जदों अपने बच्चे नूं दवाई दवा के घर वापस आ रही सी, तां रस्ते दे विच दो बाइक सवार लुटेरियां दे वल्लों उसका फोन लुट के फरार हो गए ने। दस दिए कि जिवें ही औरत गली दे विच आ रही सी तां पहला दोवें बदमाश यह झपट मार जो सी वह पहला अगे नूं निकल जाते हैं। हालांकि जिवें ही उन्होंने देखते हैं कि गली दे विच कोई भी नहीं है, सुनसान गली है, तां उन्होंने वल्लों मौके का फायदा चुकया जाता है। बाइक के उत्ते पिछों ती आउंदे ने अते औरत दे हत्थ दे विच फड़िया होया पर्स लैके फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पर्स दे विच औरत दे बच्चे की दवाई सी जो कि कई दिनों तो बीमार चल रहा सी, ते बड़ी मुश्किल दे नाल उन्हूं दवाई दवा के घर वापस आ रही सी, ते इसी दौरान मोबाइल भी उसका पर्स दे विच सी। ते इह लुटेरे मौके दे उत्ते आउंदे ने अते नाल दी नाल पर्स झपट के फरार हो जाते हैं। हालांकि हुण इस महिला दे वल्लों पुलिस नूं भी शिकायत दी गई है, ते पुलिस दे वल्लों भी मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। तो दस दिए कि घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीर साफ देखा जा सकता है कि एक औरत गली दे विच बच्चे नूं लैके आ रही है, तो इन्ने दे विच पिछों बाइक सवार झपटमार आउंदे ने ते इसका पर्स खो के ही फरार हो जाते हैं। हालांकि पहला तो महिला नूं समझ ही नहीं लगता कि आखिर होया की है, पर जब अपने हाथ खाली देख दिया तो उस समय उन्हें पता लगता है कि उसका पर्स खो के दोवें फरार हो गए ने। उक्त महिला दे वल्लों भी हुण पुलिस कोल इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, ते अपील की जा रही है कि जल्द तो जल्द इन्हें चपटमारा नूं काबू किया जाए। मैं आई थी हॉस्पिटल से दवा दिलवा के बच्चे को। तो फिर क्या घटना हुई यहाँ पे? मैं आ रही थी उधर से, फिर मैंने उधर इधर से गए थे दो मुंडे मोटरसाइकिल से 12 से 15 साल तक के, इधर से फिर गए थे, इधर को मैंने झांका था, उधर से आ रहे थे, फिर ये नहीं देखा मैंने, उधर तक देखे थे, फिर वापस आए थे, वापसी में नहीं देखे, फिर बराबर पे ही आके मेरा पर्स छीन के भाग गए थे। कितने पैसे थे उसमें? उसमें 1200 से 1400 रुपए थे। और मोबाइल था, बीच आधार कार्ड था और बीच दवाई थी गुड़िया की। दवाई थी? हाँ। पुलिस को शिकायत कर दिया आपने? हाँ, मैं कर आई कल। ठीक है, अभी भी फिर जाना है मुझे। बुलाया है। बंदा हुण जावे ता जावे किधर जावे, घरे देखो ता चोरियां, बाहर निकलो ता लुट्टा खोहां। जी हां, दस दिए कि लगातार लुट्टा खोहां दे मामले वधदे जा रहे ने, ते हुण औरतां दा ता दिन दिहाड़े घर दे विच्चों निकलना भी मुश्किल हो गया। दरअसल एक औरत जदों अपने बच्चे नूं दवाई दवा के घर वापस आ रही सी, तां रस्ते दे विच दो बाइक सवार लुटेरियां दे वल्लों उसका फोन लुट के फरार हो गए ने। दस दिए कि जिवें ही औरत गली दे विच आ रही सी तां पहला दोवें बदमाश यह झपटमार जो सी वह पहला अगे नूं निकल जाते हैं। हालांकि जिवें ही उन्होंने देखते हैं कि गली दे विच कोई भी नहीं है, सुनसान गली है, तो उन्होंने वालों मौके का फायदा चुकया जाता है। बाइक के उत्ते पिछों ती आउंदे ने अते औरत दे हत्थ दे विच फड़िया होया पर्स लैके फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पर्स दे विच औरत दे बच्चे की दवाई सी जो कि कई दिनों तो बीमार चल रहा सी, ते बड़ी मुश्किल दे नाल उन्हूं दवाई दवा के घर वापस आ रही सी, ते इसी दौरान मोबाइल भी उसका पर्स दे विच सी। ते इह लुटेरे मौके दे उत्ते आउंदे ने अते नाल दी नाल पर्स झपट के फरार हो जाते हैं। हालांकि हुण इस महिला दे वल्लों पुलिस नूं भी शिकायत दित्ती गई है, ते पुलिस दे वल्लों भी मामले की जाँच शुरू कर दित्ती गई है। तो दस दिए कि घटना सीसीटीवी दे विच कैद हुई है। तस्वीर साफ देखा जा सकता है कि एक औरत गली दे विच बच्चे नूं लैके आ रही है, तो इन्ने दे विच पिछों बाइक सवार झपटमार आउंदे ने ते इसका पर्स खो के ही फरार हो जाते हैं। हालांकि पहला तो महिला नूं समझ ही नहीं लगता कि आखिर होया की है, पर जब अपने हाथ खाली देख दिया तो उस समय उन्हें पता लगता है कि उसका पर्स खो के दोवें फरार हो गए ने। उक्त महिला दे वल्लों भी हुण पुलिस कोल इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है, ते अपील की जा रही है कि जल्द तो जल्द इन्हें चपटमारा नूं काबू किया जाए। मैं आई थी हॉस्पिटल से दवा दिलवा के बच्चे को। तो फिर क्या घटना हुई यहाँ पे? मैं आ रही थी उधर से, फिर मैंने उधर इधर से गए थे दो मुंडे मोटरसाइकिल से 12 से 15 साल तक के, इधर से फिर गए थे, इधर को मैंने झांका था, उधर से आ रहे थे, फिर ये नहीं देखा मैंने, उधर तक देखे थे, फिर वापस आए थे, वापसी में नहीं देखे, फिर बराबर पे ही आके मेरा पर्स छीन के भाग गए थे। कितने पैसे थे उसमें? उसमें 1200 से 1400 रुपए थे। और मोबाइल था? मोबाइल था, बीच आधार कार्ड था और बीच दवाई थी गुड़िया की।
दवाई दी थी। हाँ। पुलिस को शिकायत कर दिया आपने? हाँ मैं करी आई कल। ठीक है, अभी भी फिर जाना है मुझे। बुलाया आपने? बुलाया है।